कहना चाहूँगा, जो एक्साइटमेंट इस साल दिख रही है, ये दो साल की जितनी भी कमी थी वो पूरी हो जाने वाली है। और दो साल जो हमने गणपति बाबा को मिस किया वो इस साल टोटली फुलफिल कर लेंगे और धूमधाम से खूब मस्ती के साथ गणपति बाबा को बुलाएंगे और ले जाएंगे। हर साल आप बोलते हैं कि बाबा जब भी आते हैं हर कभी सभी के विघ्न दूर करते हैं, इस साल क्या कुछ मांगा है बाबा? वेल, जो मांगा है वो तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा ऐसा मन है अगर आप विश बता देते हो तो विश पूरी नहीं होती है। बट डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं मांगना चाहूँगा ही चाहूँगा जो मैं सबके लिए बताता हूँ कि जिस हिसाब से कोरोना गया है पिछले दो साल में, वापस ये प्रार्थना है कि वैसा कोई भी टाइम वापस कभी ना लौटे। मोदक मुझे बड़ा पसंद है ऑब्वियसली, सो मोदक मतलब मैं वैसे तो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस बंदा हूँ, स्वीट्स वगैरह खाता नहीं हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू मोदक मैं मोदक खा लेता हूँ। आइडल बहुत ही क्यूट है, उनका जो फेस है उन पे बाल बिल्कुल नहीं है, थोड़े टकलू टाइप के हैं गणु बापा, और आप जब देखोगे तो बहुत क्यूटनेस दिखेगी और आई थिंक इट्स अ वेरी लाइवली आइडल। जब भी गणपति बर्ड सामने आता है तो सबसे पहले क्या स्लोगन याद आते हैं या फिर कौन सा गाना याद आता है? स्लोगन में तो वक्र टुंड, क्योंकि हम कोई भी काम शुरू करते हैं उससे पहले गणपति जी का यू नो स्लोगन या फिर जो भी श्लोक है उसे बोलते हैं, तो वक्र टुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा, वो तो है ही है। उसके साथ साथ देवा तुजा धारिया लो गुण गण गाया, सो ये गाने बड़े यू नो इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे। गणपति बाप्पा मोरिया। Thank you.